शहर में दिन ब दिन यातायात की समस्या बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर अवैध तरीके से यातायात करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसने की सख्त जरूरत दिखाई दे रही है। नागपुर शहर के हिंगना रोड स्थित महिंद्रा कंपनी का बहुत बड़ा कारोबार है। यहाँ ट्रैक्टर निर्मित होते हैं। ट्रैक्टरों के निर्मिति के बाद यह ट्रैक्टर नागलवाड़ी रोड के स्टॉक यार्ड में लाए जाते हैं, जिस तरह यह ट्रैक्टर ट्रेलरों में लादकर लाते हैं। वह यातायात को खतरा है, इस बात की प्रशासन को काफी बार अवगत कराया गया है। भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा द्वारा कई बार साल 2020 से अवगत कराया गया, लेकिन आरटीओ और यातायात विभाग के अधिकारी इस पर क्यों चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, यह बहुत बड़ा प्रश्न निर्माण हो रहा है। हिंगना रोड का निर्माण कार्य शुरू होने से रास्ते पर काफी भीड़ उमड़ जाती है। यहाँ ज्यादा महाविद्यालय और कंपनी क्षेत्र भी है। शाम के दौरान छुट्टी के वक्त यहाँ काफी भीड़ जमा हो जाती है, जिससे कई बार जाम तक लग जाता है। दो दो घंटे तक नागरिकों को यातायात की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी ओर ट्रैक्टरों से लदे हुए ट्रेलर शाम 7 बजे के बाद यहाँ से रोज निकलते हैं। ट्रेलरों की संख्या भी ज्यादा प्रमाण में होती है। एक ट्रेलर पर तकरीबन 5 से 6 ट्रैक्टर लदे हुए होते हैं। ट्रेलर जब रास्ते से चलते हैं तो नागरिकों को वहां चलना किसी खतरे से कम नहीं होता। यह ट्रेलर काफी तरह से अवैध नजर आती है। आरटीओ विभाग के मुताबिक यदि ट्रेलरों की जांच की जाए तो यह अवैध ही नजर आएगी। एक ट्रेलर पर 5 से 6 ट्रैक्टर लदे रहने के कारण पीछे कुछ भी नहीं दिखता। पीछे देखने के लिए आईने की व्यवस्था भी नहीं होती, ना ही ट्रेलरों पर नंबर प्लेट दिखाई देता है। ट्रेलर पर ट्रैक्टर लदे होते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को आगे का नहीं दिखता है और ट्रेलर के ड्राइवर को पीछे का कुछ भी नजर नहीं आता है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। आरटीओ और एमआईडीसी यातायात विभाग द्वारा शहर में पॉइंट पर यातायात पुलिसकर्मी खड़े कर आम जनताओं से हेलमेट और अन्य का चालान बनाने में व्यस्त है, तो दूसरी ओर आरटीओ और यातायात विभाग के नाक के नीचे अवैध यातायात हो रहा, इस पर प्रशासन का ध्यान नहीं, यह सबसे बड़ी त्रासदी है। हमारे संवाददाता सौरभ पाटिल, इन्होंने रात 10 बजे ट्रेलरों का पीछा किया तो इस दौरान दिखाई दिया कि महिंद्रा कंपनी से ट्रेलर निकलते हैं। एक ट्रेलर पर तकरीबन 5-6 ट्रैक्टर होते हैं। पीछे चालक को ट्रेलर के कारण आगे का कुछ नहीं दिखता। ट्रेलर बॉडी के बाहर तक ट्रैक्टर निकल आने से पूरा रोड ट्रेलर घेर लेता है, जिससे दुर्घटना बढ़ती है। कुछ ट्रेलर पर नंबर साफ दिखाई नहीं देता, चालक को ट्रैक्टरों के कारण पीछे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। एक तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यों की सराहनीय हो रही है, तो दूसरी ओर शहर में इस तरह का अवैध वातावरण निर्माण होना यातायात के लिए काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। इस पर अंकुश लगाकर तुरंत अवैध यातायात को बंद करने की मांग नागरिकों द्वारा हो रही है। साथियों, अभी हमने जो आज नागलवाड़ी के बरधामना से जो हीना रोड नागलवाड़ी जाती है, इस रोड पे हमने काफी समय से सड़क हादसे जो हो रहे हैं, इसमें हम लोगों ने सर्वेक्षण किया। महिंद्रा लॉजिस्टिक कंपनी यहाँ जो नागलवाड़ी में है और महिंद्रा कंपनी जो MIDC में है, हम लोगों ने इनको भी निवेदन दिया। MIDC ट्रैफिक ऑफिस को भी निवेदन दिया था, सिटी कलेक्टर ऑफिस को भी निवेदन दिया था कि जो सड़क हादसे हो रहे हैं, बेहिसाब ट्रैक्टर की लोडिंग करके ट्रक वाले ले जाते हैं, जिसका कोई परमिशन है अथवा नहीं है, लोडिंग गलत है अथवा अनलोडिंग गलत है, इस विषय का सवाल बनता है। और इस विषय के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें पुलिस प्रशासन या आरटीओ विभाग से संबंधित चीजें हैं। अब ये संबंधित चीजें में किसी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, अवैध तरीके से लोडिंग हो रही है, अवैध तरीके से लोडिंग होने के बावजूद में सड़क में हादसे हो रहे हैं, आए दिन लोगों की जान जा रही है। इनकी जान की सुरक्षा को देखते हुए हमने मीडिया से संपर्क किया और मीडिया को हमने पूरी बातें अवगत कराई। किस तरह से आप भी जाके फोटोग्राफ लीजिए और शासन प्रशासन को अवगत कराए। हमारे सबसे बड़ी तो बात है कि हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री, देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ये गृह क्षेत्र है। देवेंद्र फडणवीस जी हमारे जो है तो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे शहरों में रहकर अगर इसमें परिवहन विभाग के और पुलिस विभाग पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो इसमें कहीं की सरकार को देखना चाहिए। हम तो अपने उप मुख्यमंत्री साहब से प्रार्थना करता हूँ, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय में शासन प्रशासन को अवगत कराएं, कड़ी से कड़ी जाँच कराएं कि सड़क हादसे को रोके। और इस तरह जो सड़क हादसे हो रहे हैं तो कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी दुर्घटना हो रही है। गांवों के लोग, बाहर के लोग भी आते जाते हैं, और इस तरह से अवैध तरीके से लोडिंग को सरकार रोके, कंपनी को रोके। महिंद्रा लॉजिस्टिक, महिंद्रा कंपनी जो रात में गाड़ियों को संचालित करती हैं, तो उसमें किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है, ये सवाल बनता है प्रशासन की कार्रवाई पर। वाड़ी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।